मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के शाहीन बाग में डॉक्टर कफील पहुंचे, जहां महिलाएं CAA का विरोध कर रही हैं। आपको बता दें कि CAA के विरोध में मुमरा में मेक कंपनी के सामने महिलाएं अपने बच्चों के साथ खामोश एहतजाज कर रही हैं और ये मुमरा का शाहीन बाग बन चुका है। 8 दिनों से ये प्रोटेस्ट यहाँ जारी है। रात दिन महिलाएं CAA के विरोध में यहां बैठकर बीजेपी सरकार के खिलाफ कानून को वापस लेने की मांग कर रही हैं और इन महिलाओं को JNU जामिया के छात्रों के साथ साथ एडवोकेट डॉक्टरों का भी साथ मिल रहा है। कल मुमरा के शाहीन बाग में खामोश एहतजाज कर रही महिलाओं से मिलने के लिए डॉक्टर कफील पहुंचे और CAA NRC NPR का विरोध करते हुए मुमरा के शाहीन बाग में बैठी तमाम महिलाओं के जज्बों को सलाम किया। आपको बता दें कि CAA का विरोध देश भर में अब बढ़ता जा रहा है और एक के बाद एक अब शाहीन बाग बन रहे हैं। क्या वकील, क्या डॉक्टर, क्या महिलाएं, क्या बच्चे, सभी बीजेपी सरकार के विरोध में अब हर जगह शाहीन बाग बना रहे हैं। और ये कोई शाहीन बाग नहीं है, ये मुमरा है। अब मुमरा के लोगों का जज्बा है, मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूँ। शाहीन बाग एक आइडिया है और वो आइडिया पूरे इंडिया में फैल रहा है। 5,000 से ज़्यादा शाहीन बाग, जैसा कि चंद्रशेखर ने कहा है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी दिन आ जाएगा। NPR, CA, NRC जो ये सब लाया गया है वो उसी वजह से लाया गया जो कि मोदी जी ने कहा 15 लाख रुपए दूंगा, तुम्हें 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, नोटबंदी जो है वो जादू की छड़ी है, सारा का धन वापस ले आऊँगा, GST ला के इंडिया को 2020 में सुपर पावर बना दूंगा, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी पहुँचा दूंगा और तुम्हारे मुंबई से गुजरात अहमदाबाद ट्रेन जाएगी 2 मिनट के अंदर। वो सब डूब गया है। बलात्कारियों को 72 घंटे में सजाएं दूंगा, किसानों की आत्महत्याएं को कम कर दूंगा। आपके महाराष्ट्र में 2,500 किसान मर गए, 91 बलात्कार रोज हो रहे हैं, 8,80,000 बच्चे जो हैं 2018 में मर गए, इकोनॉमी आपकी डूब चुकी है और जो है ये $5 ट्रिलियन की इंडस्ट्री की बात छोड़ दिए। नोटबंदी डीमोनेटाइजेशन वॉज अ डिजास्टर फॉर इंडियन इकॉनमी। So all to hide all these things, they have started with this divide and rule, जो अंग्रेज़ों ने किया वो किया, लेकिन हमें भी पता है हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है और हम फिर से दोबारा इस लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।